कन्नकाय अक्षाशय अक्षस्य तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशे शिशुरादि कन्नका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। ये सर्वौषधि विद्यासुतपसो प्रतिङ्गता पञ्चये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंच ज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। कैलासे बृहस्पतिः निर्वृतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैलेरतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्धविभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैतसाक्षु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभोयः केवलज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्भावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि ततानि पञ्चशततम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। इत्थं श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयास्ति शङ्कराणामुसाः। ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम्। श्रेयाः पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वा रक्षामणिः संसारोरग्धर्भकारुणमणिः भवचिन्तामणिः अश्रान्ताक्षय शान्तिमुक्तरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमान् देवशिरोमणि विजयते श्रीभीतरागः प्रभु आहाराभय भयसदसाजान् दत्तावधानानां खण्डेस्फुटितजीर्णचिन्त्यालुधारिगिराणां यात्रा प्रतिसादि सप्तक्षेत्रधनवितरणशिलानां तर्कव्याकरणछन्दोलङ्कारसाहित्य सङ्गीतकाव्यनाटकाभिधान शास्त्रोत्सवादन मदोत्कर्मोत्कर्षसमाभरणानां निधिकुलकमलविकासनयमातन्दावतरणां श्रीचतुर्विंशतितीर्थङ्करदेवपद्कमलाराधकानां श्रीमूलसङ्गपुण्यार्थं मङ्गलार्थं तुष्टिपुष्टिआरोग्यार्थं भवजन्तकिरीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधानाः भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बुदी भस्नापुर से आपको ये अभिषेक पूरा अभिषेक पंचामृत अभिषेक महासान धारा देखने को प्राप्त हो रही है। आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। सभी लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ अभिषेक देखें और करने वाले यहाँ पर करेंगे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है और उसके विधान के इंद्रगण सभी लोग श्री आनंद प्रकाश जी, उनके सुपुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार और हमारे मेरठ से श्री सुनील जी, मनोज जी, राकेश जी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पुष्पेंद्र जैन दिल्ली से और भक्तगण यहाँ पर उपस्थित होकर के अभिषेक कर रहे हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निवृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरसु दीप सुरूप फुलार्गी गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए मन है। इस नाली के हृदय से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृ वचन इसके सदृ हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इच्छुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य तेरस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ, रुचि थे मेरे वचन तेजक कर्ण रसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी
अत्यंत पुष्ट करिए गृह तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झाम झाम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेक करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णास सांख्य किरणों सम कांति धारे ये दूध तम सान विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते गता दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीत यह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पे हुआ बरसम ही अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तन लोल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू न मन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते हे सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुषयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिया नमो रते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित हि प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिघम तो विभोरो तारयामि इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नात्मा विजय ओम ह्रीम चन्ना लेपन पुष्प वृष्टि मंगलाती अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी आत्मे लेने ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दोषकर्मसाय द्वितेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वरोगोपशमनाशाय सर्वप्रकृतिशुद्रपदविनाशनाय सर्वछामडामर विनाशाय ओम राम रीम रूम रोम राशियाच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघ संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती अनामका निकुंद ब्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी नटी एम मुरादाबाद से परिवार से श्री जिंदाद जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से श्री मंगमती मंगला सुभाष साहू जम्बुदी वसनापुर निवासी परिवार से श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवर श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवर श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से
श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन सभ्या दिल्ली, श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरवार औरंगाबाद सपरवार से, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरवार से, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायिका आशुतोष निशा श्री रितिका विनायिका प्रवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवार देवलगांव राजा बुलढाणा महाराष्ट्र, श्री प्रमोद कुमार जैन बसमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा रक्षा मायरा रम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माही पुणिया चारवी बीर पावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरेम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरवार से, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहलाल अजमेरा परवाद हुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या और जस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे सावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वासलाभा श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था हरचित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रली संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परवा दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वासलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वासलाबाद बादशाहपुर गुड़गावा हरियाणा निवासी परिवार से, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रेड्डी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली सपरवार से, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार सपरवार से, श्रीमती विमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्यान्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सत्य जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन श्री प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज सुरचित जैन अग्रवाल लाटू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेन्द्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित धनावत कटक मुंबई निवासी परिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता संपत पांड्या नवनीत तमन्ना महक जैन श्री नमिता पुखराज नीलम विजय नीतू अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से, श्री रमेश जैन स्वासलाबाद श्रीमती संतोष जैन पुत्र श्री विकास जैन दिल्ली निवासी परिवार से, श्री 16 दिवसीय शांति भक्ति विधान के पुण्याधिक परिवार श्री मुकेश जैन स्वासलाबाद रामकृष्ण हाउस हाउस खास दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवनिया भव्या तक्ष चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य प्रसिद्ध नाम का सौरभ सत्साह श्री कलकत्ता, श्री विनोद कुमार सेठी परिवार दीमापुर, स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा प्रवीणचंद नेमचंद शाह श्री विजय भूमिका शाह नारायणपुर अहमदाबाद, श्रीमती इला अशोक दोषी श्री ऋषभ अंकित लाभेश दोषी परिवार गुलालबाड़ी मुंबई, श्रीमती अंतिमा मानव जैन आगम सिद्धांत जैन मधुबन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री विमलेश कुमार श्रीमती उषा जैन श्री नितिन मेघना आदित्य अनुष्का जैन मास्टर्स परिवार आगरा उत्तर प्रदेश, श्री संजय राजा सुरेंद्र चंद
संदीप, सुरजीत, सुनील, विजय जैन, दहली, सागर वाले मुंबई, श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, श्री अंकित, पूजा पुनीत, सोनम धनावत, श्री अक्षत, वाची, अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री महावीर प्रसाद, पवन कुमार, अजय, अभय, चंपालाल, गौरव, चिराग, अनमोल, अनुजिस, अनिकेत जैन, सुरासाही, मालपुरा, टोंक, राजस्थान, श्री रियांश जैन, पुत्र मनोज कुमार जैन, थैली सीसिया, रोग से स्वास्थ्य लाभास, जलेसर जिला एटा उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्रीमती निर्मला जैन, स्वास्थ्य लाभास, पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, खारीबाव, दिल्ली परिवार से, श्रीमती अंजना कारवा, पुत्र श्री नीरज कारवा परिवार, उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री जितेंद्र सिंह जैन की स्मृति में श्री विमलेश संजय जैन परिवार, शिलांग मेघालय निवासी परिवार से, जम्बूरी भसनापुर में बन रहे विशाल भगवान शांति कुंडदान मंदिर निर्माण में एक पुण्यादिक परिवार, श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, श्री अंकित, पूजा पुनीत, सोनम धनावत, श्री अक्षत, वाची, अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा निवासी परिवार से, श्री सुनील कुमार जैन सराफ, मनोज जैन, राकेश जैन सपरिवार से, सभी पुष्पेंद्र जैन सपरिवार, सभी से अंतधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वमेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वअंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, भगंदर कुश कामलादि भयम्, निग्धादि बंधन भयम्, दुर्घटना भयम्, वाष्पयान दुर्घटना, सर्व चतुः चक्रिका दुर्घटना भयम्, त्रि चक्रिका दुर्घटना भयम्, चक्रिका दुर्घटना भयम्, वाष्पदानी विस्फोटक भयम्, दुर्घटना सर्वशोकयदायक विद्वेशम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरात वीर बदमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं भ्रमादि अनामादि जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बुदी भस्नापुची क्षेत्रे विसंबत 2548 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ बुधवासरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान आष्टानिका पर शुभवसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति नेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वाधिष्ठ ग्रहादिनन कुले अनकुले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम अस्य कथोपरि शांति धाराम करो चतुर्विसंगस्य सभी शांत धारा करने वाले देखने वाले सौधर सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रमुख पुण्याधिक परिवार श्री आनंद प्रकाश जैन श्रीमती मखमली देवी जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इंक्लेव नई दिल्ली श्री सुनील कुमार जैन सराफ मनोज जैन राकेश जैन पुष्पेंद्र जैन मेरठ दिल्ली निवासी से परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासक नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारण कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब लो शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरु ले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणान में जलार गम नृपामी ती स्वाहा। ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों टोंक पर विराजमान पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। ओम रीम जम्बुदी भस्नापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अहरनाथ तीनों विशाल प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। ओम रीम जम्बुदेवी स्थल पर कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपूज भगवान सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। ओम रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकान सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अर्षद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम नृवपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है। हाँ भाई सुनील जी राकेश जी मनोज जी मदन जी सब लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे हमारी बात। सभी भक्तों को सूचित करना है। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बड़ी ही प्रभावना के साथ बहुत सुंदर विधान जो पूज्य माता जी की लेखनी से ही लिखा गया विधान यहाँ पर चल रहा है। परसों 18 तारीख को कल 17 तारीख को 1008 अर्घ्य चढ़ेंगे। अष्टानिका पर्व के समापन के शुभ अवसर पर हवन होगा और इसका पूर्ण विसर्जन किया जाएगा और उसके बाद 25 मार्च से 30 मार्च तक यानी चैत्र बदी अष्टमी से त्रयोदशी तक समोसरण श्री मंडल विधान बड़ी मूर्ति यानी विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर यहाँ पर होगा और इस त्रिमूर्ति मंदिर के तीन प्रतिमाएं इसमें विराजमान है। क्यों सुनील जी? तीन प्रतिमाएं विराजमान है भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ। तीनों प्रतिमाओं की विशाल वेदी बनकर के तैयार हो गई है। 54 फीट चौड़ी 36 फीट ऊंची ये विशाल वेदी बन चुकी है और मंदिर के तीन शिखर भी बन चुके हैं। तीनों शिखर पर कलशारोहण स्वर्ण कलशारोहण 7.5 फीट उत्तुंग स्वर्ण कलश तैयार हो चुके हैं। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में 28 मार्च दिन सोमवार चैत्र कृष्णा एकादशी के दिन तीनों शिखर पर कलशारोहण होगा। समझ गए? तीनों शिखर पर कलशारोहण किया जाएगा। कलशारोहण जिन्हें अपने हाथों से करना है उनसे संपर्क कर लेंगे और इसके साथ वेदी के अंदर तीन भामंडल बहुत विशाल बने हैं। 7 फीट डायमीटर के सुंदर भामंडल बने हैं जिसमें सोने का काम भी होगा। एक एक भामंडल की राशि 11 लाख रुपए रखी गई है। वेदी 54 फीट चौड़ी और 36 फीट ऊंची है और इसके साथ वेदी के ऊपर भगवान के सिर के पीछे बहुत सुंदर भामंडल बने हैं जो स्वर्ण युक्त रहेंगे। अभी भामंडल श्वेत पाषाण के तैयार हो चुके हैं, सोना बाद में लगेगा। इन भामंडल की राशि एक एक भामंडल शांतिनाथ भगवान का भामंडल कुंथुनाथ भगवान का भामंडल और अरहनाथ भगवान का भामंडल ये तीन ही भामंडल हैं। इतने विशाल मैं समझता हूँ शायद ही भारत में किसी मंदिर में इतने बड़े भामंडल हों। 7 फीट डायमीटर के चौड़े विशाल श्वेत पाषाण से युक्त ये भामंडल लग चुके हैं और इसमें कुछ दिनों के बाद सोने का काम भी होगा। एक एक भामंडल की राशि 11 लाख रुपये जिनकी भी भावना हो पुण्य अर्जित करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और मंदिर के ऊपर पूज माता जी के सत्संग सानिध्य में 28 मार्च को कलशारोहण की विधि संपन्न की जाएगी प्रातः 8:30 बजे से।
जो भी महान भाव हमारी आवाज सुन रहे हैं, जिन्हें भामंडल में अपना नाम लिखाना हो, अपना द्रव्य देना हो, इतने बड़े विशाल भामंडल जो पहली बार, और वो भी भगवान की जन्मभूमि में, भगवान की चक्रवर्ती, क्योंकि भगवान चक्रवर्ती तीनों चक्रवर्ती थे, ये शोभा केवल हस्तिनापुर को प्राप्त हुआ है कि तीनों चक्रवर्ती तीर्थंकर कामदेव ऐसे पद के धारक, चक्रवर्ती के पद के धारक ऐसे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के मस्तक के पीछे भामंडल बने हैं, जिनकी भी भावना हो 11-11 लाख रुपए में एक एक भामंडल की स्वीकृति दे करके लाभ ले सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 महासिद्धेभ्यः। ओम रीम विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम रीम विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम रीम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। मध्यात नाव हम व्रतों की ओर चलेंगे। नंदीश्वर व्रत चल रहा है। नंदीश्वर पर्व में आष्टानिक व्रत में जो विधिवत आष्टानिक करते हैं उनके लिए आज मंत्र का उच्चारण है। आज है त्रयोदशी। ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संज्ञाय नमः। इस दिन जो है इमली और भात खाने का विधान है जो विधिवत आठाई का व्रत करते हैं उनके लिए, और फल है 40 लाख उपवास का फल। एक आसन करके एक बार भोजन करके भी 40 लाख उपवास का फल है, ऐसी तिथि और पर्व की महत्ता। अब हम चलेंगे नवनिधि व्रत की ओर। ओम ह्रीम अरहम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। ओम ह्रीम अरहम अष्टादश तीर्थंकर पद प्राप्त। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम शनिग्रहारिष शांति कराय। ओम ह्रीम शनिग्रहारिष शांति कराय। श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमः। श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमः। मध्यात नाव चक्रवर्ती भरत को श्री चरणों में चलेंगे। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात नाव पर्व के दिन किए गए अनुष्ठान, उनकी महिमा, उनका महत्व अपने आप में विशेष ही महिमापूर्ण ही है। अब हम आपको ले चले। आज है फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी और आगे कल है फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी। आप ध्यान में रखें, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी भी हमारे जीवन में और आपके जीवन में बहुत ही महिमापूर्ण है। आचार्य श्री प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज का मुनि दीक्षा दिवस, 2 वर्ष पूर्व हमने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में आचार्य श्री का शताब्दी वर्ष का उद्घाटन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र किया था, और 1 वर्ष तक बराबर लोगों ने उत्सव महोत्सव मनाए हैं। आप कल जो है अवश्य ही आचार्य श्री सांसार महाराज के जीवन से संबंधित, उनकी जहाँ जहाँ उनकी मूर्ति विराजमान हो, उनके चरण हो, उनके अभिषेक करें, पूजा करें, कम से कम पूजा अवश्य करें, और उनके बारे में चर्चा अर्चा और उनके जीवन चरित्र से लोगों को परिचित कराएं, सभा में वाचनादि रखें। आचार्य श्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आज ले चलूं। कल आप यहाँ जम्मूदीप स्थल पर 3 मूर्ति मंदिर में विराजमान आचार्य श्री सांसार जी की प्रतिमा का अभिषेक भी देखेंगे, अभिषेक भी करेंगे और उनकी पूजा करेंगे। आप पारस चैनल के माध्यम से सभी लोग पूजा करेंगे। आज मैं उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में आपको ले चलूँ। ईस्वी सन 1872 1872 में आषाढ़ बदी छठ को आचार्य श्री का जन्म हुआ है। उनका निवास स्थान रहा है भोजक ग्राम, जिला बेलगांव में, कर्नाटक। पिता का नाम, उनका नाम रहा है सातगुंडा पाटिल। इनके पिता
भीम गौना पाटिल कहलाते थे और माता सत्वती, भीमगौना पाटिल माता सत्वती इनके पुत्र सात गौना। और इन्होंने छोटी उम्र में ही, बहुत छोटी उम्र में विवाह संपन्न हुआ और छोटी उम्र में कोई घराने का, पत्नी का संपर्क का कोई संबंध ही नहीं रहा। तिलक दीक्षा जेठ शुक्ला उसका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने पुनः शादी नहीं की। और जेठ शुक्ला 13 सन 1914 को तिलक दीक्षा ली है और मुनि दीक्षा ली है देवेंद्र कीर्ति महाराज से। तिलक दीक्षा भी देवेंद्र कीर्ति महाराज से ली थी। मुनि दीक्षा फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, जो कल आ रही है तिथि फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, ईस्वी सन 1920 में दीक्षा ली है। आज 1922 है तो 2022 है, 102 वर्ष हो रहे हैं। ग्राम एरनाल जिला बेलगांव में कर्नाटक में आचार्य श्री ने मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज से ही मुनि दीक्षा ग्रहण की है। आचार्य पद हुआ है आचार्य श्री का आश्विन शुक्ला 11 को, उसी दिन उन्होंने वीर सागर जी और नेमी सागर जी, जो मुंबई में जिन्होंने तीर्थ बनाया ऐसे नेमी सागर जी महाराज, इन दोनों की मुनि दीक्षा दी और इसके बाद ही उनका आचार्य पदारोहण हुआ है समडोली ग्राम में। यह जिला सांगली में है, महाराष्ट्र में है। चार्य चक्रवर्ती पद आचार्य श्री को प्रदान किया गया ईस्वी सन 1937 में गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर। आचार्य श्री का 1955 में समाज मरण हुआ है कुंथलगिरी में, मैंने संक्षेप में आपको बताया। आचार्य श्री के जीवन परिचय से हम और आप थोड़ा अगर परिचित हो तो आचार्य श्री ने दक्षिण से उत्तर के लिए जो बिहार किया समय शिखर की यात्रा के निमित्त से सन 1928 में, और समय शिखर आकर के सत्संग समय शिखर आए। उस समय एक ही संघ आचार्य श्री का था और कोई संघ नहीं थे, कुछ मुनि दक्षिण में विचरण करते थे आदि सागर आदि नाम से। आचार्य श्री का उत्तर का बिहार समय शिखर की यात्रा और वर्तमान के सभी दिगंबर जैन समाज के लिए ही नहीं, सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए एक वरदान बन गई। उनका समय शिखर यात्रा का आगमन, मार्ग में धर्म प्रभावना और उनके द्वारा हुई अनेकों कार्य, विशेष उन्होंने जो है सर्वप्रथम तो उनके हाथ से देव शास्त्र गुरु तीनों के निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र में दक्षिण में दही गांव करके एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने 20 तीर्थंकर भगवान सीमंदर युगंधर आदि 20 तीर्थंकर भगवंतों के विराजमान की प्रेरणा दी, विराजमान हुए उनकी प्रेरणा से उनके सानिध्य में। पुनश्च कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण महाराज मुनि, जो महामुनि मोक्ष गए हैं, उनकी प्रतिमाएँ विराजमान कराई। कुंभोज में भगवान बाहुबली को विराजमान करने की प्रेरणा दी आदि अनेकों स्थानों पर उन्होंने जिन मूर्ति विराजमान कराने की प्रेरणा आदि दी है। पुनश्च षटखंडागम ग्रंथ सबसे बड़ा कार्य जो हुआ है इस शताब्दी में, महान कार्य, जो ताड़ पत्र पर लिखित सिद्धांत ग्रंथ जिनको कीटक खा रहे थे, सुरक्षा नहीं हो पा रही थी, ऐसे सुरक्षित रखते हुए भी जो जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, उनका जीर्णोद्धार विद्वानों के द्वारा उन्हें ताड़पत्र से लिखाकर हिंदी अनुवाद कराकर प्रकाशित कराना, सबसे बड़ा कार्य षटखंडागम ग्रंथ। आज हम उस षटखंडागम ग्रंथ को जैन सिद्धांत ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ, अनुपम ग्रंथ, अभूतपूर्व ऐसे षटखंडागम ग्रंथ को 16 पुस्तकों में विभक्त और जो हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित हुआ है, धौला टीका के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। उसे षटखंडागम ग्रंथ के सूत्र के रचयिता श्री पुष्पचंद्र भूतबली आचार्य
और टीका अनेकों आचार्य ने की परंतु उपलब्ध नहीं हुई। एक टीका जो आचार्य श्री वीरसेन आचार्य के द्वारा की गई धवला टीका उपलब्ध हुई, उसी के माध्यम से वो ग्रंथ है टीका सहित प्रकाशित हुआ है। ताम्रपट पर भी ग्रंथ उत्कीर्ण कराए गए जो तीन जगह सुरक्षित हैं, पल्टन में, मुंबई में। और बात यही है कि आचार्य श्री के द्वारा जो मुनियों का सृजन हुआ, सर्वप्रथम उन्होंने अपने दीक्षा दिए आचार्य जो पट्टाचार्य बने वीर सागर जी महाराज, जिनको उन्होंने अपना आचार्य पट भेजा। प्रथम शिष्य उनके वीर सागर जी, द्वितीय नेमी सागर जी, मुंबई को तीर्थ बनाने वाले पोदनपुरी में जिन्होंने ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके और 24वीं भगवान विराजमान करके मुंबई को तीर्थ बना दिया। उसी तीर्थ के दर्शन के निमित्त से ही मेरा अभी 2017 में मुंबई जाना हुआ और वहाँ चौमासे का भी प्रसंग आया, योग आया। ऐसे नमी सागर जी, नेवी सागर जी, सुधर्म सागर जी, कुंथु सागर जी आदि जो उन्होंने मुनियों के सृजन किए और सप्तऋषि मुनियों के साथ जो विहार करके अभूतपूर्व प्रभावना जो की है सारे भारत में, देव शास्त्र गुरु तीनों का सृजन जिनके कर कमलों से हुआ है, जिनके आदेश और उपदेश से हुआ है, जिन वाणी जीर्णोद्धारक संस्था का निर्माण कराकर ग्रंथों का प्रकाशन आदि के अनेकों कार्य आचार्य श्री ने जो किए हैं और जो प्रेरणाएं दी हैं हमें भी, जिनके दर्शन का तीन बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले हमने छिलका अवस्था में सन 1954 में नीरा में दर्शन किया, पुनः बारामती में दर्शन किया, आचार्य श्री का अंतिम विहार भी देखा और कुंथलगिरी में सन 1955 में छिलका अवस्था में मैं एक माह संलेखना के समय आचार्य श्री के चरण सानिध्य में कुंथलगिरी रही हूँ। तो बात यही है उन्हीं से मैंने प्रेरणा पाई, उनसे आचार्य श्री से मैंने हारिका दीक्षा की याचना की थी। आचार्य श्री बोले कि अब मैं दीक्षा देने का त्याग कर चुका हूँ, मेरे शिष्य, प्रथम शिष्य जिन्हें मैं अपना आचार्य पद भेज रहा हूँ वीर सागर जी, उनके संग में जाकर हारिका दीक्षा लो, उन्हीं के संग में रहना, आचार्य श्री की आज्ञा प्राप्त करके। और आचार्य श्री ने मुझे कहा था कि ग्रंथों में मूलाचार, भगवती आराधना, अनगार धर्मामृत, समय सार, गोमट सार आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, उनकी आज्ञा को प्राप्त करके मैंने उन ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। मैं बताता हूँ, आचार्य श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद सारे भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए एक वरदान बना है। आज जितने भी साधु आपको दिख रहे हैं, किसी न किसी निमित्त से उन्हीं मूल वृक्ष के ही सब फल पत्र पुष्प आदि सब के रूप में हैं। आचार्य श्री के अनंत उपकार हमारे और आपके पर तो है ही हैं, पूरी जैन समाज पर है ही हैं और जैनेतर समाज से भी बहुत, जैनेतर समाज के ऊपर भी बहुत उपकार। दिगम्बरत्व की प्रभावना, दिगंबर जैन शासन की प्रभावना, दिल्ली जैसे शहर में आकर चातुर्मास का योग आना आदि, तो बात यही है। एक उदाहरण बहुत बार याद आ जाता है कि आचार्य श्री जब दिल्ली में, मैंने सुना है कि आचार्य श्री जब दिल्ली में थे और एक बार किसी एक श्रावक को अपने साथ ले जा करके चांदनी चौक में और ऐसे स्थल पर लाल किला मैदान आदि के सामने अपने फोटो खिंचवा रहे थे। लोगों ने चर्चा की, अरे आचार्य श्री इतने निष्प्रय महासाधु और इन्हें फोटो का शौक कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है। आचार्य श्री के पास चर्चा आ गई, आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, भैया फोटो में कहाँ रखूँगा, मेरे पास रखने का कोई साधन नहीं है, न कोई पेटी है न कोई जेब, ये तो केवल मैं इतिहास बना रहा हूँ, इतिहास कि इस समय, इस शताब्दी में, 19वीं-20वीं शताब्दी में जो है
दिगंबर संत, दिगंबर साधु, दिगंबर जैन मुनि राजधानी दिल्ली में भी खुलेआम विचरण करते थे। चांदनी चौक आदि में, लाल किला मैदान आदि के सामने बराबर खुलेआम विहार करते थे, विचरण करते थे। ये केवल इतिहास बनाने के लिए ये फोटो है। बात इतनी दूरदर्शिता, दीर्घदर्शिता आचार्य श्री की। और भी अनेकों ऐसे उनके संस्मरण है, उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में जो उपवास व्रत आदि किए हैं उनकी संख्या, उनका विवरण पढ़ो तो रोमांच होता है। चारित्र शुद्धि व्रत आदि किए, 1234 उपवास, 324 व्रत के साथ 120 उपवास आदि तो किए ही किए, ऐसे बहुत उपवास किए। और उन्होंने अनेकों शिव निष्क्रीडित व्रत 3 बार किया है अपने जीवन में। 10 लक्षण व्रत, अष्टानी व्रत आदि तो करते ही रहते थे। उनका उपवास में बहुत अधिक जीवन व्यतीत हुआ है। और गृहस्थ जीवन में भी वो स्वाध्याय के रुचि के विशेष साधु रहे हैं। दिगंबर जैन की चर्या, उसका एक प्रकार से विस्तारीकरण करना, दिगंबरत्व का प्रचार करना, कैसे साधु विचरण करते हैं, कैसे उनकी आहारचर्या होती है, निर्भीक व्रत पर संख्यान आदि लेकर निकलते हैं शहरों में, गांव में, नगर में आदि। और उनके श्री विहार से, मंगल विहार से जो प्रभावना हुई है, जो उनका चतुर्विध संघ का विहार हुआ है दक्षिण से उत्तर की ओर समय शिखर की यात्रा के लिए, उनके संघपति आदि सब बहुत ही उस समय सम्मान और आदर को प्राप्त हुए हैं। अनेकों ऐसे सब प्रकरण उदाहरण उनके जीवन चरित्र से हम सब प्राप्त करते हैं। तो बात यही है कि आचार्य श्री का कल मुनि दीक्षा दिवस मनाकर उनकी पूजा करके हम और आप सब उनके गुणगान करते रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। महानुभावों, क्या आप जानते हैं कि सिद्ध चक्र विधान का चमत्कार प्रदर्शित करने वाली कौन सी सती थी? सहज में मुंह से निकलेगा, मैना सुंदरी। क्योंकि खूब भजन पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो मैना रानी। ये मैना रानी एक राजकुमारी थी और उज्जैन के राजा उपाल की बेटी थी। और श्रीपाल राजा चंपापुर के रहने वाले थे और उन्हें कर्म के वश रोग हो गया, कुष्ठ रोग हुआ, क्योंकि उन्होंने मुनिराज की निंदा की थी, उसके फल स्वरूप उन्हें रोग हो गया था। और कर्म सिद्धांत में विश्वास रखने वाली मैना ने अपने पिता के साथ बहस किया और वो एक आरिका के पास चूंकि पढ़ी हुई थी, उसने कर्म सिद्धांत को समझा था कि जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का कर्ता स्वतंत्र है और अपने कर्मों के फल को भोगता भी वह स्वयं ही होता है, कोई किसी के कर्म का फल भोग नहीं सकता। इस बात पर अटल रहने के कारण मैना सुंदरी के पिता ने कुष्टीपति के साथ ब्याह दिया, लेकिन मैना ने उफ नहीं किया। उसकी माँ रोती रही, उसकी बहन सुरसुंदरी रोती रही, कैसे मेरी बहन जाएगी, कैसे मेरी बेटी समय निकालेगी। लेकिन मैना कर्म सिद्धांत को जानती थी, उसने यही समझाया। छोटी सी पुस्तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माताजी ने लिखा है पतिव्रता, इसे जीवन में एक बार जरूर पढ़ना और हर जैन को अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना है कि किस प्रकार से वो मैना उत्तर देती है और कहती है कि हे माँ, आप चिंता ना करें, मेरा अशुभ कर्मों के कारण जो अशुभ उदय आया है तो मुझे
पति मिला है कुष्ठीपति, यदि ऐसे अशुभ कर्म रहता आप अच्छे से ब्याह करते तो भी रोग हो सकता था, और यदि मेरा भाग्य अच्छा होगा मेरे कर्म अच्छे होंगे तो ये भी अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार से सबको सांत्वना देकर उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। बड़ा रोमांचक इतिहास है कि मैना सुंदरी दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रही। श्रीपाल जी कहते थे, आप एक राजकुमारी हैं, आपने कभी इतना काम नहीं किया होगा, और फिर मुझ जैसे रोगी की आप इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से थोड़े दिन दूर ही रहें और जब मेरा रोग ठीक हो जाए तो मेरे आसपास रहें। लेकिन मैना ने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए असंभव है। भारतीय नारी, कर्म सिद्धांत में विश्वास करने वाली नारी, और वह कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी। और अंततो गत्वा एक मुनिराज के पास मैना जाती है और उनके दर्शन बड़े पुण्य से मिले। उसकी भक्ति, उसके कर्म सिद्धांत ने रंग लाया और मुनिराज के मुंह से निकलता है कि हे पुत्री, असाता कर्म के उदय से ऐसा हुआ है और तुम सिद्ध चक्र का विधान करो। सिद्ध चक्र का विधान उसने बड़ी श्रद्धा के साथ किया। श्रीपाल को सामने बिठाया और उनके ऊपर रोज भगवान के और सिद्ध चक्र यंत्र के गंधोदक का जल छिड़कती थी, सिद्ध चक्र का विधान करती थी। श्रीपाल उसे खूब श्रद्धा के साथ सुनते थे और उनके साथ में 700 रोगी और थे, सब राजा के साथ। अपने नगर चंपापुर से निकलकर, क्योंकि वहाँ की जनता, इतनी दुर्गंध थी राजा के शरीर में और दूसरे रोगियों के शरीर में कि जनता भागने लगी थी, तो राजा ने स्वयं अपने को दंडित किया, ना कि प्रजा से कुछ कहा। वे सारे 700 वीरों को अपने साथ लेकर के और चंपापुर के उद्यान में आकर के ठहर गए थे। अब मुनिराज के कहने से जब मैना ने सिद्ध चक्र का विधान किया और सभी रोगियों के शरीर पर गंधोदक छिड़क दिया, एकाग्रता, समर्पण, भगवान के समक्ष सब कुछ समर्पित करके मैना सुंदरी ने विधान करके 700 रोगियों का और अपने पति का भी रोग दूर कर दिया। और आज भी उसकी प्रसिद्धि हो रही है कि फल पायो मैना रानी। मैना रानी ने किस प्रकार फल पाया, असली में उसने अपना कर्तव्य करके और अपने पति को निरोगी बना लिया। एक बार अपनी पुत्री मैना सुंदरी को एक सुंदर राजकुमार के साथ देख करके माता पिता का मन कुछ आशंकित हो गया कि ऐसा तो नहीं कि मैना ने उस पति को छोड़ दिया हो, रोगी था, और कोई दूसरा ब्याह रचा लिया हो। शंका आई, लेकिन मैना ने उसका समाधान किया कि पिताजी, मैंने सिद्ध चक्र का विधान किया, मुझे मुनिराज जी ने बताया था, और ये देखो ठीक हो गए, और कर्म सिद्धांत वास्तव में बहुत प्रबल है। जो राजा हठ में जिन्होंने विवाह कर दिया था अपनी पुत्री का, बहुत पश्चाताप कर रहे थे, मैंने ये क्या कर दिया। सब मंत्रियों ने भी समझाया था कि राजन, एक बालिका की छोटी सी गलती पर आप इतना बड़ा दंड दे रहे हैं, लेकिन राजा हठ में नहीं माने। और आखिर बाद में मैना सुंदरी ने कर्म सिद्धांत को साक्षात करके दिखा दिया। तो बंधुओं, यह सिद्ध चक्र विधान जिसके अंदर 2040 अर्घ हैं, 2040 मंत्र हैं, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024, ये सब मिलकर के 2040 पूरे अर्घ होते हैं। और आज मंदिर मंदिर में सिद्ध चक्र विधान को करने की परंपरा है। वर्तमान में पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी ने भी जब से सिद्ध चक्र विधान बनाया 1992 में, उन्होंने सिद्ध चक्र विधान की रचना की। बहुत सारे भक्तों ने कहा कि माता जी, हम पुराना विधान करते हैं, उसमें शब्द समझ में नहीं आते, आपके विधान में सरसता, सरलता और सिद्धांत आता है, स्वाध्याय भी होता है, भक्ति भी होती है,
और सबके निवेदन को लेकर पूज्य माता जी ने उसको विधान को बनाया। इतना सुंदर विधान है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे आनंद प्रकाश जी दिल्ली वाले विधान कर रहे हैं, कई सारे भक्तों को भी उनके निमित्त से भक्ति करने का मौका मिल रहा है। ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं ज्ञानमती माता जी ने, शिव तरु की जड़ सम्यक दर्शन, इस बिना मुक्ति फल क्या होगा, भगवान तेरी भक्ति से बढ़कर के मोक्ष फल क्या होगा। हे भगवान, ये शिव तरु मोक्ष रूपी वृक्ष की जड़ क्या है, सम्यक दर्शन, और वह सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा, भगवान की भक्ति से वह सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो सम्यक दृष्टि का विश्वास अटल होता है, भगवान की भक्ति, देव सात गुरु की भक्ति, पंच परमेष्ठियों की भक्ति के प्रति उसका विश्वास अटल होता है, और उस अटल विश्वास को दिखा करके मैना सुंदरी ने एक इतिहास बना दिया। इसलिए आज हमने आपसे ये प्रश्न किया कि क्या आप जानते हैं कि सिद्ध चक्र विधान के चमत्कार को प्रदर्शित करने वाली सती का नाम क्या था। सहज में उत्तर मिल गया कि मैना सुंदरी, और उस मैना सुंदरी के समान जिनने जिनने भी भक्ति किया, चाहे वो धनंजय कवि रहे तो अपने पुत्र पर चढ़े सर्प के विष को भक्ति से दूर कर दिया, आचार्य मानतुंग स्वामी रहे, उन्होंने भगवान की भक्ति के बल पर ताले तोड़ दिए, तो ऐसे भगवान की भक्ति मैं देखती हूँ गणनी ज्ञानमती माता जी की, ऐसी तीव्र भक्ति है भगवान के प्रति, आज आपको 108 फुट के भगवान जो मांगी तुंगी में दिख रहे हैं, ये भक्ति का फल है। आज आपको जो तीन भगवान शांति कुंतरे नाथ भगवान जो हस्तिनापुर में दिख रहे हैं, ये भक्ति के प्रतीक हैं। तो ऐसी भक्ति करके आप सबको आज जो स्वामी जी ने बताया कितना सुंदर जिनालय, अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक, सफेद सफेद संगमरमर का, और जब वेदी खुल करके आई है ऐसी निखर रही है चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर भगवान की वेदी, सुंदर सुंदर भामंडल 7-7 फीट के डायमीटर में बने हुए भामंडल, इन पर वास्तव में इनको चढ़ाने का, इनका पुण्य लाभ लेने का अवसर भी बहुत जो पुण्यात्मा होंगे उन्हीं को प्राप्त होगा। ऐसे भक्ति में तत्पर रहते हुए मैना सुंदरी के समान एकाग्रता से भक्ति करके भगवान की और उसके फल को सभी लोग प्राप्त करें। अष्टान्निका पर्व आपके लिए खूब मंगलमय हो, और आने वाला समोसरण विधान भी उसके अंदर आपको समोसरण की रचना दिखाई जाएगी, और मंदिर के शिखर पर चढ़ने वाले कलशों को चढ़ा करके तो मानव जीवन के ऊपर, मानव जीवन के मंदिर पर स्वर्णिम कलशारोहण, भक्ति का कलशारोहण करने के लिए हम सब परम प्रसन्न हैं, और ज्ञानमती माता जी के उपकारों को हम इसीलिए मानते हैं कि आपने भक्ति के बल पर इतनी निधियां संसार को दी हैं, और हम आपकी भक्ति के बल पर हमें भी कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। सभी भक्तों को सूचित करना है कि ये भगवान शांति कुतरनाथ के विशाल मंदिर में जो भामंडल बहुत सुंदर, बहुत बड़े विशाल भामंडल बने हैं जिन्हें सोने से भी जड़ित किया जाएगा, और उसकी वेदी बहुत विशाल वेदी बनी है। ये वेदी श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जालना, जो जम्बुदी भस्नापुर में रह करके पूज्य माता जी की शिष्यत्व के स्वीकार किया और पूज्य माता जी के सानिध्य में धर्म ध्यान पूर्वक रहती हैं, उनकी ओर से इस वेदी का निर्माण किया गया है। भामंडल बहुत विशाल हैं, सोने से युक्त रहेंगे। ऐसे भामंडल, प्रत्येक भामंडल की राशि केवल 11-11 लाख रुपए रखी गई है। जो भी महान भाव अपनी ओर से एक भामंडल भगवान शांतिनाथ के मस्तक के पीछे, दूसरा भामंडल कुंठनाथ भगवान के मस्तक के पीछे